नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हम आपके समक्ष उपस्थित है सितंबर 2022 माह का राशिफल लेकर। और यह जो राशिफल आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो ये राशिफल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि एवं चंद्र राशि के आधार पर ये राशिफल फॉलो करते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। तो कृपा करके यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो यह राशिफल का आपको टू द पॉइंट एवं सटीक रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आइए बात करते हैं कर्क लग्न वालों की। तो कर्क लग्न वालों का सितंबर 2022 का जो महीना है वो बढ़िया रहने वाला है। कर्क लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है वो चंद्र बनता है। चंद्र का गोचर फोर्थ हाउस में रहेगा। यह गोचर दरमियान आपको जो है 16-9 के बाद आपके मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। और 16-9 के बाद आपके प्रोफेशन को लेकर यात्राएं होगी। यात्रा के दरमियान बने हुए संपर्क आपके कार्य में एकदम सटीक साबित होगी। आपको आगे जाके अपने जॉब एवं बिजनेस के रिगार्डिंग आप जो भी यात्राएं करेंगे यह महीने वो आपके लिए कारगर साबित होगी। उन संबंधों में आपको जो है वो कहीं ना कहीं काम आते नजर आएंगे आपके प्रोफेशन के हिसाब से। यह महीने आपकी लेखन क्षमता में भी कहीं ना कहीं वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल यह महीने कहीं ना कहीं आपको बढ़िया देखने को मिल सकती है। आपकी वार्तालाप करने की क्षमता बढ़िया रहेगी और आपका जो है वो कहीं ना कहीं वाणी भी प्रभावशाली है गोचर वर्ष आपको दिख सकती है। यह महीने कहीं ना कहीं यात्रा के दरमियान भी आपके संपर्क बनेंगे वो एकदम कारगर साबित होंगे। और धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्राएं करेंगे और धर्म कर्म के पीछे भी आप कहीं ना कहीं धन खर्च करते नजर आएंगे यह महीने। और 23-9 के बाद जो है वो धन की मात्रा खर्च होने की मात्रा बढ़ जाएगी तो आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं बढ़िया होगा। और पत्नी एवं माता से कोई संजोगवशात दूरी थोड़े दिन तक बन सकती है। और जितना आप कर्म करेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे अपने कार्यस्थल पर उतना आपको फल ज्यादा मिलता नजर आएगा क्योंकि आपका 10th हाउस का लोड आपके 11th हाउस में रहेगा। और 10th हाउस में राहु है जो थोड़ी अस्टेबिलिटी महसूस कराएगा कार्यस्थल पर। और कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाए तो बढ़िया रहेगा। और यह महीने कहीं ना कहीं यात्रा के योग बन रहे तो आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक और 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा के दरमियान कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाए तो बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन को लेकर जो प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी है उनके लिए बढ़िया रहेगा। जो मास्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, जो टीचिंग फील्ड से जुड़े हैं, जो गणितज्ञ विषय से जुड़े हैं, उन लोगों को वो विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बढ़िया साबित होगा। और बात कर लेते कैरियर की। तो कैरियर को लेकर ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10th हाउस में कहीं कहीं राहु है तो छोटी मोटी समस्याएं रह सकती है, बाकी बढ़िया रहेगा। 10th हाउस का अधिपति मंगल है, वो लाभ स्थान में गोचर कर रहा है। जितना कर्म करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उनका उतना आपको आउटपुट ज्यादा मिलता नजर आएगा। अपने से बड़े अधिकारियों का सपोर्ट 16-9 के बाद आपको मिलता नजर आएगा। 16-9 के बाद अपने मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा में आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। बात कर लेते फाइनेंस की। तो फाइनेंस को लेकर 16 सितंबर तक आपका बढ़िया रहेगा। बस 16 सितंबर के बाद जो है वो आपका धन का खर्च जो है वो धर्म कर्म एवं दान पुण्य एवं जब तब के पीछे धन का खर्च होता नजर आ सकता है। तो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो बढ़िया रहेगा। यह महीने कोई ना कोई माध्यम से धन लाभ के योग बन रहे तो हम आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, 16 तारीख, 17 तारीख, 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक और 26 तारीख से लेकर 28 तारीख और 30 तारीख को कोई ना कोई धन लाभ के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन को लेकर आपके सप्तम भाव में शनि का गोचर रहेगा, शनि वक्री रहेगा। बशर्ते कोई दिक्कत नहीं, उग्रता करने से बचना है, जिद करने से बचना है और अपनी तीखी वाणी बोलने से बचना है तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन के अंदर आपको सुधार देखने को मिलेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस मौसमी बीमारी की चपेट में आप ना है उसका आपको ख्याल रखना है और अपनी आंखों, स्किन एवं यूरिनल संबंधित दिक्कत ना हो उसका आपको ख्याल रख के चलना है। और 23-9 के बाद जो है वो अपनी माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है यह महीने के आखिरी सप्ताह में 23 सितंबर के बाद। तो अपनी माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल सकती है तो उसका आपको ख्याल करके चलना है। बात कर लेते संतान की। तो संतान को लेकर ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी
तो जो है वो जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है वो अपना स्वास्थ्य का ख्याल रख के चले, और सितंबर 2022 का जो महीना है वो कर्क लग्न वालों के लिए बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। तो कृपा करके आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। ओम सोम सोमाय नमः बीज मंत्र का यथासंभव जप कर लेते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ्य एवं गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कर लेते हैं, और प्रतिदिन श्री सूक्तम का पाठ अगर आप हर रोज सुबह एक बार कर लेते हैं तो यह है गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। नमस्कार। आइए बात करते हैं सिंह लग्न वालों की। सिंह लग्न वालों की हम आपको बात कर रहे हैं, उससे पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशि फल है आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो यह राशि फल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि एवं चंद्र राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। तो यह जो राशि फल आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो यह राशि फल आपके ऊपर टू द पॉइंट एवं सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं सिंह लग्न वालों की। तो सिंह लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है वो सूर्य बनता है। सिंह लग्न वाले सूर्य से संचालित होते हैं, सूर्य का गोचर लग्न में रहेगा। यह गोचर की हम बात करें तो यह महीने जो है वो 16-9 तक जो है वो आपके कहीं ना कहीं पिछले 1-1.5 महीने से स्वास्थ्य रिगार्डिंग जो भी इश्यू थे वो सुधार आपको देखने को मिल सकता है, और अपने से थोड़े बड़े लेवल के लोगों के साथ 16-9 तक थोड़ा उठना बैठना यह महीने रह सकता है। और यह महीने आपकी जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्डर देने वाली जो है वो आपकी वाणी रह सकती है, आपकी आदेशात्मक वाणी रह सकती है। खास करके 16-9 के बाद आपकी वाणी में कहीं ना कहीं आपकी आदेशात्मक वाणी बोलने का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है, आपकी वाणी के कारण आपके काम बनते नजर आएंगे। और यह महीने अपने से बड़े एवं छोटे भाई बहनों से भी लाभ संभव है, और कार्यस्थल में आपको उग्रता करने से बचना है क्योंकि 10th हाउस में मंगल का गोचर है और मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी। तो कार्यस्थल पर आपको उग्रता करने से बचना है, खुद भी उग्रता करने से बचना है। एकदम धैर्य पूर्वक अगर आप आगे चलते हैं तो स्थिति ठीक होती नजर आएगी, और धारदार चीज गर्म पदार्थ एवं अग्नि से आपको दूरी बनाकर रखनी है क्योंकि आपके 10th हाउस में मंगल रहेगा और मंगल की दृष्टि लग्न पर रहेगी। तो कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं तो बढ़िया रहेगा। पेट में दर्द एवं जलन की शिकायत रहेगी, अपना खान पान ठीक करके चलना है। नॉनवेज ड्रिंक्स का सेवन आप करते हैं तो उनसे पूर्णतः दूरी बनाकर रखनी है। शुद्ध सात्विक भोजन लेना है आपको, और यह महीने आप जो है वो अपने आप को थोड़ा अप टू डेट रहना ज्यादा पसंद करेंगे। यह महीना आप जो है वो अप टू डेट ज्यादा रहेंगे, और विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है यह महीने। और यह महीने यात्रा के योग बन रहे तो आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं, 1 तारीख से लेकर 4 तारीख, 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, 23 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, और 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक यात्रा के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन को लेकर प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी उनके लिए ठीक ठाक रहेगा, और जो अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, जो आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया रहेगा। जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपेरेशन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बढ़िया रहेगा। बात कर लेते कैरियर की, तो कैरियर को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, बशर्ते आपको उग्रता करने से बचना है कार्यस्थल पर। अगर आप धैर्य पूर्वक चलते हैं तो स्थिति बढ़िया रहेगी, और जो लोग पहले से टीचिंग फील्ड या कोई कंसल्टिंग का काम कर रहे हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं या ब्रोकरिंग का काम कर रहे हैं या अकाउंटेंट का काम कर रहे हैं उनके लिए है गोचर बढ़िया साबित होगा। बात कर लेते फाइनेंस की, तो फाइनेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल बढ़िया रहेगा। यह महीने कहीं ना कहीं कोई न कोई माध्यम से बड़ी मात्रा में बड़ी अमाउंट में आपको धन लाभ होता नजर आ सकता है, और धन लाभ के भी योग बन रहे हैं कोई ना कोई माध्यम से, उनकी भी हमने डेट निकाली हम आपको बता देते हैं। 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक, 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, और 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक धन लाभ के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते आपको उग्रता करने से बचना है। और सप्तमेश का जो आपका अधिपति है वो शनि है, और अपने से द्वादश भाव में 6th हाउस में मकर राशि में रहेगा, वो भी वक्री रहेगा। तो वैवाहिक जीवन के अंदर आप सामंजस्य बना के चलते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं तो स्थिति बढ़िया रहेगी। बात कर लेते स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर
कोई खास दिक्कत नहीं, बशर्ते अपनी राइट साइड की आंखों का ख्याल रखना है। थोड़ी सर दर्द की शिकायत रह सकती है, और जिन लोगों को पहले से स्किन संबंधित एवं यूरिनल दिक्कत है उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। बात कर लेते संतान की, तो संतान को लेकर जो है स्थिति ठीक रहेगी, बशर्ते जिन लेडी ने संतान कंसीव करा रखा है उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। मंगल की आठवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर रह सकती है, तो उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। और सितंबर 2022 का जो महीना है वो सिंह लग्न वालों के लिए बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। तो कृपा करके आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य एवं गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कर लेते हैं। प्रतिदिन सुबह हर रोज एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ पाठ कर लेते हैं, और भगवान शिव एवं हनुमान जी के आप दर्शन करते हैं नित्य, तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। नमस्कार। आइए बात करते हैं कन्या लग्न वालों की। तो कन्या लग्न वालों की हम आपको बात कर रहे हैं, उससे पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशि फल है वो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो यह राशि फल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि एवं चंद्र राशि के आधार पर राशि फल देखते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। तो यह जो राशि फल है वो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो यह राशि फल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं कन्या लग्न वालों की। तो कन्या लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है वो बुध बनता है। कन्या लग्न वालों का जो संचालित करने वाला ग्रह है वो बुध है, और बुध का गोचर लग्न में रहेगा। 10 सितंबर के बाद बुध का बुध वक्री हो जाएगा। और कन्या लग्न वालों की सितंबर 2022 के महीने की बात करें तो यह महीने जो है वो 10 सितंबर के बाद आपकी वाणी प्रभावशाली होती नजर आ सकती है। यह महीने 10 सितंबर के बाद वाणी के कारण आपके काम बनते नजर आएंगे, और यह महीने कहीं ना कहीं आपको 10 सितंबर के बाद थोड़ी स्वास्थ्य रिगार्डिंग इश्यू हो सकती है, मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं आप, उसका आपको ख्याल रख के चलना है। और यह पूरा महीना 23-9 तक आपको जो है वो कहीं ना कहीं सुख सुविधा एवं लग्जरियस लाइफ के पीछे आपका धन का खर्च होगा, क्योंकि शुक्र की जो है स्थिति द्वादश भाव में रहेगी। तो सुख सुविधा एवं महंगी चीज वस्तुओं की खरीदारी पर आप अपना धन का खर्च करेंगे, तो यह महीने आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो स्थिति बढ़िया रहेगी। और यह महीने 23-9 के बाद जो है वो शुक्र का लग्न में गोचर होने के कारण अपने आप को जो है वो आप अप टू डेट रखना ज्यादा पसंद कर सकते हैं, आप गाना गुनगुनाना ज्यादा पसंद कर सकते हैं, आप मूवीज देखना 23-9 के बाद ज्यादा पसंद कर सकते हैं, और 16-9 के बाद आप की जो वाणी में कहीं ना कहीं आदेशात्मक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। यह 16-9 के बाद आपके मान सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा में वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। अपने से बड़े लोगों का, अपने बुजुर्गों का आपको साथ मिलता नजर आ सकता है, और भाग्य का भी साथ यह महीने आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगा। यह महीने कहीं ना कहीं पराक्रम साहस में भी आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। और 23-9 तक आपको पैसे जोड़ने में दिक्कत रह सकती है, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस का जो अधिपति है वो शुक्र है, और शुक्र का गोचर द्वादश भाव में चलेगा 23-9 तक, तो आपको पैसे जोड़ने में दिक्कत रह सकती है। तो अगर आप पहले से ही अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो स्थिति बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यह महीने यात्रा के योग बन रहे, तो मैं आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक, और 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, 23 तारीख से लेकर 27 तारीख और 30 तारीख को यात्रा के योग बन रहे हैं। यात्रा के दरमियान अगर आप कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाए तो बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन को लेकर जो प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी है उनके लिए मध्यम रहेगा। जो लो फील्ड के विद्यार्थी है, जो टीचिंग फील्ड से जुड़े हैं या गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर बढ़िया साबित होगा। बात कर लेते कैरियर की। तो कैरियर को लेकर स्थिति ठीक ठाक रहेगी, बशर्ते 10 सितंबर के बाद जो है वो थोड़ी भागदौड़ जो वाली स्थिति है वो रह सकती है, तो अपना जो है वो स्थिति ठीक करके चलते हैं तो बढ़िया रहेगा। 10 सितंबर के बाद थोड़ी भागदौड़ रह सकती है कार्यस्थल पे, तो क्योंकि 10 सितंबर के बाद आपके दशमेश यानी कि बुध वक्री हो जाएंगे, तो वो द्वादश का और दूसरे भाव दोनों का फल देंगे, तो थोड़ी भागदौड़ रह सकती है। अगर आप पूर्व प्लानिंग के साथ तैयारी के साथ चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रह सकती है। बात कर लेते फाइनेंस की। तो फाइनेंस को लेकर
यह महीने 23-9 तक धन की स्थिति थोड़ी गड़बड़ रह सकती है, पैसे जोड़ने में दिक्कत रह सकती है आपको। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो स्थिति बढ़िया रहेगी। यह महीने कोई न कोई माध्यम से धन लाभ के योग बन रहे हैं, तो आपको धन लाभ की तारीख बता देते हैं। 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक, 7 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक और 21 तारीख से लेकर 29 तारीख तक धन लाभ के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, बशर्ते कोई दिक्कत नहीं। अपनी वाणी पर कंट्रोल करके चलना है, उग्रता से बचना है और सामंजस्य बना के चलते हैं तो स्थिति बढ़िया रहेगी। क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति रहेगा और बृहस्पति वक्री है 24-11 तक, तो छठे भाव एवं अष्टम भाव दोनों का फल देगा। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी वैचारिक मतभेद हो सकते, अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं तो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, बशर्ते अपने लेफ्ट साइड की आंखों का आपको ख्याल रख के चलना है और मौसमी बीमारी के चपेट में आप ना आए उनका भी आपको ख्याल रख के चलना है। और जिन लोगों को पहले से माइग्रेन एवं सरदर्द की शिकायत है उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है तो बढ़िया रहेगा। बात कर लेते संतान की, तो संतान को लेकर यह महीने स्थिति गड़बड़ दिख रही है, वक्री शनि के कारण आपके संतान के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिल सकती है। और जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है उनको भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है। और सितंबर 2022 का जो महीना है वो कन्या लग्न वालों के लिए बढ़िया साबित हो, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। तो आप कृपा करके उपाय जरूर कर लीजिएगा, प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्ध्यम गायत्री मंत्र का अवतार संभव जप कर लीजिए। ओम बुम बुधाय नमः बीज मंत्र का अवतार संभव जप कर लेते हैं, अपने कुल की जो देवी है उनके समक्ष आप दीप प्रज्वलित करके उनका स्मरण करते हैं और स्ट्रीट डॉग को दूध रोटी देते रहते हैं, तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। नमस्कार।